या अल्लाह व अहिबा अस्सलाम अलैकुम या असफिया अल्लाह व अबिदा अस्सलाम अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह अस्सलाम अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह अस्सलाम अलैकुम या अंसार अमीन अलैकुम या अंसार फातिमा अज़्ज़हरा सैयदत निसाइल आलमीन السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن ابن علي ولي الزكي الناصح الامين السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله الحسين بابي انتم وامي طيبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوضى الامينه اكسيك ترسم يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم तो नहीं पड़ी मैंने थी कोई ज़ियारत कोई नफ़्ज़ रह तो नहीं गया किसकी ज़ियारत थी ये नहीं जो मैंने नफ़्ज़ किया हुसैन के सहाबियों की ज़ियारत है ना जिनके लिए हुसैन ने जुमले कहे मैं नहीं जानता मैं नतीजे की मंजिलों में आ गया हूँ माफ़ कीजिए बड़ी मजबूरी है पांच मिनटों के अंदर गुफ्तगू को समेटना ही बड़ा भारी पड़ जाता है नतीजा देने की मंजिलों पर शुरू हो गया मैं आज शब्द बता दे दू हुसैन के सहाबियों की जियारत हाथ जोड़ के पूछो गिरफ्ती मेरे अल्फाज की क्या एक मर्तबा लफ्ज़ सहाबी आया सुन लीजिए अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह और या अल्लाह वाहिबा अस्सलाम वालेकुम या असिया अल्लाह वदिदा अस्सलाम वालेकुम या अंसार अबीदा अस्सलाम वालेकुम या अंसार रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम या अंसार अमीन नबी अस्सलाम वालेकुम या अंसार फातिमा अज़्ज़हरा अस्सलाम वालेकुम या अंसार अबी मुहम्मद अल हसन अस्सलाम वालेकुम या अंसार अब्दुल्लाह अल हुसैन ये कहीं ना सहाबी आया ना सलामत रखे अल्लाह सलामत रखे सहाबी की हमारे नज़दीक वैल्यू क्यों नहीं जुमला सुनिए बहुत सारी वजूहत है जुमला सुनिए हुसैन ने सहाबी का लफ्ज दे के जमानत दे दी मगर हमारे नजदीक वैल्यू इसलिए नहीं कि ज़ियारत में लफ्ज़ सहाबी एक मर्तबा भी नहीं आया हुसैन के सहाबियों को जब नाम दिया तो नाम दिया नासिर नासिर का मतलब मददगार सहाबी और होता है नासिर और होता है साहिबान मजलिस की और जो लोग सामईन यहाँ मौजूद हैं उनकी इज्जत है लेकिन सामईन में जहरा भी हैं रसूल भी हैं जो मर्तबा आपका है वो मेरा नहीं है माफ कीजिए जो मर्तबा आपका जो वैल्यू आपकी लाइन है कि दो लम्हे के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ जाए अकलते फिरते दो मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर दो मिनट के लिए बिठा लेते फोटो लग जाए घरों के अंदर हमारे ताल्लुका इस मजलिस ने शरफ दिया कि किसी के पास में रसूल बैठे किसी के पास अली बैठे जाहिर है जब दो टके की इज्जत रखने वाला चंद दिनों के लिए कुछ बन जाए जब उसके साथ बैठना काबिल इज्जत बन सकता है तो जो पूरी कायनात में सबको इज्जत देने वाले हो जिनसे बड़ा कायनात में कोई नहीं है जिनको अल्लाह ने बड़ा बनाया जिनकी अजमत यह है कि अल्लाह को भी अकबर उन्होंने बनाया
इसलिए अगर वो उसकी किबरियाई का ऐलान न करते तो किसी को पता ही न चलता कि वो अकबर भी है, किसी को मालूम न होता। बस अभी तो बड़ी सहमत फरमाई, आज 29 तारीख थी ना, आपको मालूम होना चाहिए चांद हो चुका है, कल यकुम सफर है। मैं जुमला कहूँ माफ कीजिएगा, कल का दिन आशूर से कम नहीं हो रहा है, सफर है कल। सफर की पहली तारीख बताऊं कौन सी तारीख, कैसे कहा मैंने आशूर से कम नहीं है? मुख्तलिफ उलमा ने जुमला कहा है कि कल की तारीख आशूर से कम नहीं है, इसलिए कि कल की वो तारीख है कि जब तमाम अहले हरम शाम में दाखिल हुए। पैंतीस साल तक मौला सज्जाद मुसलसल खून के आंसू रोते रहे। जब भी किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां पड़ी, कहा श्याम अश्याम अश्याम। मौला तीन मरतबा श्याम कहने की क्या जरूरत है, कहते ही तीन ही तो मुसीबतें थी, दरबारे श्याम बाजारे श्याम जिंदा ने श्याम। अजरों को अल्लाह मक्तल में मैं आज शाम अभी पढ़ रहा, थोड़ी देर पहले मक्तल के जुमले हैं। 28 मुहर्रम को काफला पहुंच गया था शाम के दरवाजे पर, इमारतें दिखाई दे रही थी, रोक के एक मरतबा कासिद गया, अमीर कैदी आ गए। मैं एक मरतबा कहा हाँ लेके आओ, दरबार में कुछ लोग खड़े हो गए, अमीर कैसी बातें कर रहा, ऐसे कैसे लेके आए? मैंने जुमला कहा आशूर से कम नहीं, क्यों नहीं आशूर से कम? अमीर है क्या मतलब? दुनिया में सबसे बड़े घराने के कैदी हैं, कम से कम कैदी को उनकी शान के एतबार से क्या मतलब? का पहले कम से कम शाम को सजा तो लो, दरबार को सजा तो लो। ठीक है सजाओ, कितने दिन चाहिए? एक महीना चाहिए। नहीं हो सकता अमीर, कम से कम 14 दिन दे। नहीं हो सकता अमीर, कम से कम 7 दिन दे। नहीं हो सकता अमीर, कम से कम 3 दिन तो देगा। हाँ ठीक है मंजूर है, लेके आओ। मैं क्या करूं, मैं मेरा मिजाज नहीं है कि मैं कहीं किसी आदमी में दीन को कहूँ। मेरी शाम में रहेंगे, आज भी कुछ ऐसे दरवाजे जो शाम के कदीम, आज भी 7 दरवाजे मौजूद हैं। दिमश्क बहुत बड़ा शहर है, दुनिया का सबसे कदीम शहर है दिमश्क। मुझे तस्मिया तुम मुझसे पूछना चाहे पूछ सकता है, सबसे कदीम शहर का नाम है दिमश्क। दिमश्क दम शख से बना है दिमश्क, क्योंकि सबसे पहला खून का कतरा यहीं गिरा है। जनाब हाबील की कब्र वही है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं, सबसे कदीम शहर दमिश्क से दमिश्क बना। आज भी हम और आप दमिश्क कहते हैं, वहां कोई दमिश्क नहीं कहता, दमिश्क कहा जाता है। समझ रहे हैं, आज भी 7 दरवाजे मौजूद हैं, वो आज भी वो सूखे हमीदिया मौजूद है, वो बाजार शाम उसको इसी तर्ज पे रखा गया। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन तक ज़ैनब खड़ी रही, 3 दिन तक जाओ मंजिले बात नहीं है, अभी तो दमिश्क में दाखिला नहीं हुआ है। बाबे साथ जो आता है वो तो सूखे हमीदिया के खत्म होने के बाद आता है, वो तो दरबार और बाजार के दरमियान जिसका टोटल फासला भी 70 कदम नहीं है। अल्लाह आपको ज़ियारत की तौफीक दे, जाके देखें आप, कसम वो 70 कदम का फासला नहीं है। मक्तल कहते 36 घंटे ज़ैनब खड़ी रही है,
अजरकुम अल्लाह दरबार सजाया जाता रहा, मुसलसल दरबार सजाया जाता रहा, बाजार सजता रहा, क्यों अली की बेटी आ रही है, क्यों अली की लाडली आ रही है, क्यों इसका मोहम्मद आ रहे हैं। रिवायत के जुमले की शान के साथ अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। अरे अगर आपको तौफीक मिले और शाम जाए, खुदा करे हालात अच्छे हो, शाम में तकफीरी नीस्त तो नाबूद और आप जाए, कसम बखुदा आज भी आलम यह है, कोई साहिब दिल जब शाम के बाजार में पहुंचता है और देखता है तो बिलक के कहता है, हाय ये बाजार अली की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। यजीद ने कहा था 7 दरवाजे, हर दरवाजे से ज़ैनब को लाया जाए, हर दरवाजे पे हजारों की भीड़। रिवायत के जुमले, हर दरवाजे ज़ैनब आती रही, आती रही, आती रही, आती रही। अब जुमले सुनेंगे आप, जब सूक़े हमीदिया करीब आई है बाजार शाम, तो एक मरतबा कहा गया कि हम सबको ऊंटों से उतार लिया गया। और उसके बाद मौला सज्जाद के जुमले ये है कि कुछ रस्सियां लाई गई और हमें ऐसे बांधा गया जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है, किसी का गला था तो किसी का बाजू था। और ऐसे हंगामे में एक मर्तबा लेकर चला गया, अंदर से तलबी होती है, जवाब मिलता रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। जब बाबे साथ के ऊपर 36 घंटे गुजर गए तो दूसरे रास्ते से एक मर्तबा दाखिल करने की कोशिश की गई। रिवायत के जुमले, वो ज़ैनब जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक कहीं नहीं रुकी, मैं मतलब जैसे ही बाबे साथ गुजरने के बाद दरबार का मंजर देखा, एक कदम दरबार के अंदर, एक कदम दरबार के बाहर, ज़ैनब दरवाजे पर बैठ गई। किसकी मचाल है जो ज़ैनब को इस दरबार में ले जाए। अजरकुम अल्लाह, तारीख कहती है एक मर्तबा शिमर ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा, शिमर कहता है ज़ैनब चलना पड़ेगा, शेरानी कहते किसकी मजाल है। एक मर्तबा तारीख कहती है मौला सज्जाद ने कहा, मैं बेबी अम्मा चलिए, उठिए चलिए। अब जुमले सुनेंगे अल्लाह रशीद तुरावी मरहूम के जुमले, इस मौके पे वो फरमाया करते थे कि एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटा मुझे 21 रमजान याद आई है, जब मुझसे मेरे बाबा ने कहा था, ज़ैनब जब दरबार में जाओगी कदम न उठेंगे मुझे बुला लेना। शहजादी ने शायद पुकारा हो, या अली। अजरकुम अल्लाह, नहीं सज्जाद मैं न जाऊंगी। शिमर ने कहा, नहीं चलना पड़ेगा। रिवायत के जुमले पट पर शेरादी ने कहा, तू अब्बास की बहन को मजबूर समझता है। ये कहने के बाद कहा, आओ बाकिर करीब आओ, आओ सकीरा करीब आओ, रुकैया करीब आओ, उम्मे लैला करीब आओ, उम्मे रबाब करीब आओ, मैं बद्दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। शहजादी ने दस्ते बद्दुआ को बुलंद किया ही था कि एक मर्तबा गिरिए की आवाज, अब जो सर उठा के देखा तो हुसैन की आंखों से आंसू, ए भैया हुसैन किस मुसीबत ने रोला दिया।